छठ पूजा बिहार उत्तर प्रदेश ओरिशा झारखंड ना रहवासी द्वारा उजवमां आवतो तहेवार छे। गईकाले कच्छना भुजमां परप्रांतीय संगठन द्वारा परिणीता तथा कुवारी महिलाओं द्वारा छठ पूजानुं भव्यती भव्य आयोजन करवामां आव्युं हतुं। संध्याकाळे आथमता सूरज अने सातमना सूर्योदय सूरज देवताने जळ अर्पण करवामां आव्युं हतुं। परिवारमां सुख शांति अने समृद्धि रहे तेवी प्रार्थना पण करवामां आवी हती। मेरा नाम हरेंद्र यादव है, मैं बिहार से हूं। आज है छठ पूजा, इसके लिए छठ पूजा है, मनाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। पूजा का है ये महत्व है कि ये सूर्य देव को हम समर्पित करते हैं, डूबते हैं सूर्य को भी है हम है नमन करते हैं और फिर उगते सूर्य को भी है नमन करते हैं। और अपने है ना परिवार के लिए सबके लिए है ना सूर्य देव से है प्रार्थना करते हैं कि उनको है सुखी रहे। और इसमें है ना ये है जो शेरडी है मतलब ये गन्ना है और भी है सब फल है उसको सजा करके है ना सूर्य देव को है अर्पित करते हैं। अलग से तो है ऐसा नहीं है बनारस, जहाँ भी है नदी और घाट होता है ज्यादातर है नदी के है समय में है ना वहाँ पे है ज्यादा है धूमधाम से है मनाते हैं। जहाँ पर कि है पानी हो जैसे गंगा नदी है चाहे और घाघरा नदी है फिर से है ये समझिए कि मेरे नाम गुलाब देवी जयपाल सिंह तो महात्मा छठ पूजा के तो बहुत है, भगवान की मेहरबानी है दया है कृपा है सबको भला करते हैं। सूर्य नारायण उगते डूबते के पूजा होते हैं, उगते हैं डूबते हैं तो भी पूजा होते हैं। बहुत 36 घंटा उपास रहते हैं बिना अन्न पानी के तो उनको पूजा किया जाता है। बहुत शुद्धिकरण से अच्छे से पूजा किया जाता है, जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है जो नहीं है, जो इच्छाएं मांगेंगे वो पूरा करेंगे, ऐसा इनका महिमा है। और शादी शुदा करते हैं, कुमारे करते हैं, जो उनका मन्नत है वो दंड भर के करते हैं, पानी में ठहरा होते हैं। हम तो यहाँ 40 साल से कर रहे हैं। मेरा नाम चमेली महतो है और मैं बिहार से हूँ। और हम लोगों का ये परंपरा है जो मतलब हमारे पूरे के पूरे परिवार मतलब जो है हमारे जो खानदान है पूर्वज है इसे लेते चले आ रहे हैं। और हम लोगों के लिए जो छठ पूजा है वो बहुत ही बड़ा महान पर्व है। और ये जो है मतलब हमारी संस्कृति है, ये जो दिवाली के बाद 6 दिन दिवाली के 6 दिन बाद ये इसका जो है कार्यक्रम सारा स्टार्ट हो जाता है। ये 4 दिन तक चलता है और ये जो पर्व है हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे ये जो पर्व है ये मतलब एक आपको प्रूफ दे सकता है, साबित दे सकता है, जो मतलब सूर्य भगवान है वो जो है इसे प्रूफ हो जाता है कि इस संसार में जो है भगवान अभी भी है। ये सामने जो वो सामने ही ढलते हैं और सामने ही उभरते हैं, उगते भी है। ये मेन जो है पूजा उन्हीं का होता है, ये उनका प्रूफ है कि इस दुनिया में भगवान है। नहीं इसे सब रख सकते हैं, जैसे कि जो लेडीज लोग हैं वो आफ्टर शादी मतलब आफ्टर मैरिज उसे उठा सकती है। और ऐसा नहीं जरूरी कि बच्चा होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी नहीं, इसे उठा के वो अपना जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण कर सकते हैं। हम बिहार से आए हैं, बिहार दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान बेर गाँव से आए हैं और यहाँ आके मजदूरी करके बहुत उत्साह उमंग के साथ हम छठ मैया के हम सभी दर्शकों के सामने छठ मैया के उत्साह उमंग के साथ ये त्यौहार कर रहे हैं। हम बिहार से आए हैं और उत्साह उमंग का पूरा परिवार पूरा समाज के साथ एक घर बसा के एक जहां भी जो मजदूरी करके हम यहां पूजा अर्पित करें कर रहे हैं। जो यही पान प्रसाद जो भी जे पान प्रसाद जो केला है नारियल है इसी ये सब रखते हुए मान सम्मान करते हुए आज ही के दिन जो सीता माता था वो राम भगवान के बोल रहे थे आज आ जाएंगे तो आज के दिन वो राम भगवान के हम गंगा जी में मतलब मुंगेर में गंगा जी में हम प्रसाद पकवान चढ़ाएंगे। तो वही उत्साह उमंग के साथ हम ये छठ घाट पे हम लोग उत्साह उमंग के साथ ये पान प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपना अपना बाल गोपाल के लिए मन पूरा करने के लिए उत्साह उमंग के साथ आ रहे हैं।